हेलो एवरीवन, आई एम गौर शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो प्रॉपर्टीज के बेस है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। इसमें हमने पहला सम है कि हमें एक गिवन सम दिया है, इसे हमने प्रूफ करना है इज इक्वल टू जीरो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी y प्लस बी, जी सी जी प्लस सी। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज करते हुए, प्रॉपर्टी 5 हमें क्या बताती है कि अगर कोई डिटरमिनेंट में कोई रो या कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल इफ डिटरमिनेंट देख लेते हैं, मेरा कॉलम C3 सम ऑफ टू टर्म्स x प्लस ए वाई प्लस बी एंड z प्लस सी को हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल x y z a b c, सो x y z प्लस पहले फर्स्ट टर्म को यूज करते हुए, फिर सेकंड टर्म को यूज करते हुए हम लिखेंगे सेकंड डिटरमिनेंट। कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम ही रहेंगे, ए बी सी। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5 वी कैन एक्सप्रेस अ डिटरमिनेंट सम ऑफ इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स। सो ये हमारा इंडिविजुअल बन गए। इफ डिटरमिनेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं टू डिटरमिनेंट्स, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में। सो अब यहां पे देखते हैं कि मेरे पास कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इन माय फर्स्ट डिटरमिनेंट आर सेम, एंड इन डिटरमिनेंट 2 वी हैव कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 हमें क्या बताती है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में दो रोज सेम हो या दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 वी हैव, हमारे पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। सो आई कैन से डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ्ड। एक बार इसको फटाफट दोबारा देख लेते हैं। अगर कोई भी डिटरमिनेंट हमें, कोई भी डिटरमिनेंट में कोई रो या कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स दिए हुए हैं तो हम उस डिटरमिनेंट को सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। एंड देन आफ्टर प्रॉपर्टी 5 वी कैन अप्लाई प्रॉपर्टी 3। इसमें अब दो रोज या दो कॉलम सेम हो या आइडेंटिकल हो तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है इज इक्वल टू जीरो बाय यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। सो हम क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे पास डिटरमिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, रो 1 के एलिमेंट। सो रो 2 के बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉपर्टी पसंद है जो इसमें एप्लीकेबल है वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 5 लगाई थी, हम वो लगा के भी इसे प्रूफ कर सकते हैं, बट इससे क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी लेंथी हो जाएगी। सो हम एक प्रॉपर्टी 6 भी है हमारे पास, उसमें क्या क्या है, अगर हम ऑपरेशंस यूज करते हैं या रोस में भी या कॉलम्स में भी, सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हम उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैं कह सकता हूँ, अगर कॉलम 1 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सच डैट C1 प्लस C2 प्लस C3, सो हमारे पास क्या आएगा, आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशंस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, लेट सी। सो सी
ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बाकी एलिमेंट्स एस सच। सो हम कॉलम वन में ही ऑपरेशन सप्लाई कर रहे हैं, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी सी माइनस ए ए माइनस बी। सो सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी बी प्लस सी। अब देखते हैं ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, सो टर्म बिकम्स जीरो। सिमिलरली बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, ए से ए कैंसल, दिस टर्म आल्सो बिकम जीरो। सी से सी कैंसल, ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, सो दिस टर्म आल्सो बिकम जीरो। अब इसको हम रीराइट करके लिख लेते हैं, जीरो जीरो जीरो, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। सो दिस इज आवर न्यू डिटर्मिनेंट इन विच कॉलम वन हैज ऑल द जीरोस। सो मैं कह सकता हूं बाय एक्सपेंडिंग सी वन, अगर मैं एक्सपेंड करूं सी वन के साथ, सो मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। सो वी कैन से दैट प्रूफ्ड, हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा गिवन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो बाय यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, सेम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ डिटर्मिनेंट एंड हमें प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू जीरो। तो स्टार्ट करते हैं इस सम को, मेरे पास एलिमेंट्स क्या आ गए डिटर्मिनेंट के, 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें से मैं दो रोज या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना दूं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस, सो वी कैन इजीली से दैट कि द गिवन डिटरमिनेंट हैज़ जीरो वैल्यू, कि जो गिवन डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो है। सो इसे देखते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं कि किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से कुछ कॉमन हमारे पास आ रहा है। सो एज सच हमारे पास अभी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2, 7, 65, 3, 8, 75, 5, 9, 86। सो बाय अप्लाइंग ऑपरेशन सी थ्री में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सच डैट सी थ्री माइनस सी वन, इससे क्या होगा 65 माइनस 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉलम वन सच ऐसी, कॉलम टू भी ऐसे, क्योंकि हम चेंजेस कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कॉलम सी थ्री में। सो 65 माइनस 2 इट बिकम 63 एंड 75 माइनस 3 72 5 86 माइनस 5 सो 81। इसको एक बार देख लेते हैं, 65 माइनस 2 63, 75 माइनस 3 72, 86 माइनस 5 81। सो अब अगर मैं यहाँ से कॉलम थ्री से अगर 9 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रह जाएगी, 2, 3, 5, 7, 8, 9, सो आई कैन ईजली टेक इट 9 फ्रॉम हेयर। सो 9 into 7, ठीक है 63, इस तरह 9 into 8 वी गॉट 72 एंड 9 into 9 9 into 9
सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फोर प्रॉपर्टी फोर क्या कह रही है, अगर हम कोई कांस्टेंट, यहां पे जो मेरा कांस्टेंट क्या आ रहा है, मैं कह सकता हूं 9, सेम कांस्टेंट जैसे हम कहते थे के, अगर इसको मैं बाहर निकालूं डिटरमिनेंट के, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी. सो आई टेक इट 9 फ्रॉम कॉलम C3. सो मेरे पास डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, 7, 8, 9 एंड 7, 8, 9. सो अब ध्यान से देखिए, मेरे पास कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 3, और यू कैन से दैट कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल. सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 3 में क्या बताती है, इफ टू रोज, दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हों, और हम ऐसे भी कहते हैं सेम हो, द वैल्यू ऑफ आवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. सो बाय प्रॉपर्टी यूजिंग 3, सो आई कैन से दैट 0, वैल्यू ऑफ आवर डिटर्मिनेंट 0, सो इज इक्वल टू 0. सो आई कैन से मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0. सो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो वी कैन से दैट प्रूव्ड. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. इसमें भी हमें यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमें प्रूव करना है, गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. सो स्टार्ट करते हैं. मैं लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ. 1, 1, 1 BC, CA, AB. सो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो A को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं B और C के साथ. सो मेरे पास क्या आ जाएगा टर्म, AB प्लस AC, सिमिलरली BC प्लस BA, CA प्लस CB. अब यहाँ मैं यूज़ करके प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर हम ऑपरेशंस लगाएं किसी भी रो में और कॉलम में, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम. सो उसको यूज़ करते हुए मैं क्या कह सकता हूँ कि C3 में मैं ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूँ, सच एज C3 प्लस C2 बाई यूजिंग प्रॉपर्टी 6. सिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स. सो इसे अब हम अप्लाई कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 1, 1 BC, CA, AB. सो क्योंकि हम ऑपरेशंस लगा रहे हैं सिर्फ कॉलम 3 में, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC, सिमिलरली BC प्लस BA प्लस CA. सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, CA प्लस CB प्लस AB. अब हम कॉलम 3 को ध्यान से देखते हैं. सो मेरे पास क्या आ रहा है, AB, AC एंड BC. सो AB को हम देखते हैं हमारी सेकंड कॉलम 3 के सेकंड रो में है. सो AB इज यहाँ पे क्या है, BA, ये इक्वली होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है. सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. इस तरह AC इज इक्वल टू CA, इस तरह BC भी BC के इक्वल होगा. सो हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं बाय यूजिंग इसको रबर करता हूँ, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6, P6 लिख लेते हैं. सो अब इसमें से अगर By using property 4, मैं AB plus AC plus BC को common out ले लूँ by using property 4. तो मेरे पास 1, 1, 1 column 1 as such and column 2 भी as such रहेगा. एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, सिमिलरली यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1. सो नाउ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 मैं क्या कह सकता हूँ, K
कि मेरे गिवन डिटर्मिनेंट में कॉलम वन एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल, कॉलम वन एंड कॉलम थ्री आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू इक्वल टू जीरो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी थ्री. सो माय लेफ्ट हैंड साइड्स जीरो समथिंग, अगर जीरो को किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकम्स जीरो. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल जीरो, डेट इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड. सो आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड. अब हम एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ सम देखते हैं. मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड एंड इसको मैंने प्रूफ करना है 2 इंटू अ डिटर्मिनेंट. तो आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डिटर्मिनेंट है इसमें हम कह सकते हैं कि ईच कॉलम और ईच रो इज सम ऑफ टू टर्म्स. सो हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5 जो पिछले लेक्चर में स्टडी की थी उसके मुताबिक अगर कोई टर्म कोई रो या कोई कॉलम एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म्स हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के सम के इक्वल हो जाएगी. सो इसे देखते हैं. फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस सी सी प्लस ए आर प्लस पी जी प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई. सो हमें यहीं से अंदाजा हो जाता है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट है ठीक है वो क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स. ईच कॉलम और ईच रो इज अ सम ऑफ टू टर्म्स. तो हमारी जो राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट है वो क्या है, सिंगल टर्म डिटर्मिनेंट. सो हम इसको पहले सिंगल टर्म डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5. उससे पहले हम इसमें लगाएंगे प्रॉपर्टी 1 इंटरचेंजिंग ऑल रोज ठीक है विद कॉल प्रॉपर्टी फर्स्ट. सो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमें क्या कहती है कि अगर हम ऑल द रोज को कॉलम के साथ चेंज कर दें या ऑल द कॉलम्स को रो के साथ चेंज कर दें तो हमारी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. सो स्टार्ट करते हैं. रो वन इंटू कॉलम वन बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जी एंड सी प्लस ए आर प्लस पी z प्लस एक्स एंड ए प्लस पी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई. अब हमने यहाँ यूज़ करनी है प्रॉपर्टी नंबर 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि अगर मेरे पास कोई कॉलम कोई भी कॉलम या रो सम ऑफ टू टर्म्स में है तो उसे हम सिंगल टर्म के डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इस चीज़ को देखते हैं. सबसे पहले अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में अप्लाई करूँगा कॉलम 1 में. सो इसी तरह से फिर कॉलम 2 में फिर कॉलम 3 में. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो मेरे पास पहले क्या आ जाएगा, बी क्यू वाई इंटू सी ए आर पी z प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई प्लस. अब ये टर्म हमने फर्स्ट टर्म यूज कर ली कॉलम वन की. अब हम यूज करेंगे सेकेंड टर्म ऑफ कॉलम वन c r z c प्लस ए आर प्लस पी जी प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई. सो अब मैंने प्रॉपर्टी 5 का यूज किया कॉलम नंबर 1 में. अब इसी तरह मैं इसको प्रॉपर्टी 5 का यूज करेंगे कॉलम नंबर 2 में. तो हमारे पास इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे
इसी तरह यहाँ भी और कॉलम थ्री में भी। सो प्लीज नोट इट डाउन, इसको मैं रब कर लेता हूँ। क्योंकि अब हमें हॉरिजेंटल स्पेस काफ़ी चाहिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए। सो स्टार्ट करते हैं, बी क्यू वाई। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करूँगा कॉलम 2 में। सो मेरे पास क्या क्या, सी आर जी ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस y इंटू सॉरी प्लस सम ऑफ इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स की इक्वल आएगा। अब फर्स्ट टर्म हमने यूज कर ली थी कॉलम 1 की, सॉरी फर्स्ट टर्म यूज कर ली थी हमने कॉलम 2 की, अब हम यूज करेंगे सेकेंड टर्म ऑफ कॉलम 2। a p x एंड थर्ड कॉलम एज सच, सम ऑफ टू टर्म्स में ही रहने देते हैं, प्लस अब इफ डिटरमिनेंट में देखते हैं सी आर जी। अब सी आर जी सेकेंड कॉलम की मैंने फर्स्ट टर्म यूज कर ली और थर्ड कॉलम एज सच, सम ऑफ टू टर्म्स में ही रहने देंगे, प्लस आर सी आर जी। अब सेकेंड टर्म ऑफ कॉलम 2, सेकेंड टर्म ऑफ कॉलम 2 ए पी एक्स एंड ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई को ऐसे रहने देंगे। अब हमें मालूम है इस एक हमारे पास अभी हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक्सपेंड किया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5। सो जब एक्सपेंड किया तो मैं इस मैट्रिक्स में देख रहा हूँ कोई दो रोज और या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल तो नहीं आ रहे। अगर आइडेंटिकल आ रहे हैं तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ करके उसको हम क्या बना देंगे, 0। सो स्टार्ट करते हैं कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। सो इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखता हूँ मैं नंबर 1 में, यहाँ पे नहीं, अगर कोई दो रो और कोई कॉलम सिमिलर नहीं। सो इन थर्ड डिटरमिनेंट मैं कह सकता हूँ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 मैं इसे क्या कह सकता हूँ, 0। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 और या इन लैंग्वेज में लिखना, इन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं कि इट हैज़ टू कॉलम्स आइडेंटिकल, C1 एंड C2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। सो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। अब देखते हैं मेरे पास क्या बचा, 3 डिटरमिनेंट्स, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इधर आ जाइए। सो बी क्यू वाई सी आर जी ए पी एक्स प्लस सिमिलरली बी क्यू वाई सी आर जी। सो थर्ड कॉलम का हमने फर्स्ट टर्म यूज कर ली थी, अब थर्ड कॉलम की सेकंड को यूज करेंगे टर्म्स को, बी क्यू वाई। सो ये मेरा डिटरमिनेंट फुली एक्सपेंड हो गया है। अब इस डिटरमिनेंट को देखते हैं, प्लस बी क्यू वाई ए पी एक्स। सो कॉलम थर्ड का फर्स्ट टर्म ए पी एक्स प्लस बी क्यू वाई ए पी एक्स। सो फर्स्ट टर्म हमने यूज कर ली थी, अब कॉलम थर्ड का सेकेंड टर्म्स बी क्यू वाई प्लस।
अब ये डिटरमिनेंट भी हमने फुली एक्सपेंड कर लिया। अब चलते हैं हमारे थर्ड डिटरमिनेंट, तो हमारे पास जीरो हो गया था, जीरो प्लस। अब इसको देखते हैं, सी आर जी ए पी एक्स। अब थर्ड कॉलम के फर्स्ट टर्म ए पी एक्स प्लस सेम सी आर जी ए पी एक्स, सो बी क्यू वाई। सो ये डिटरमिनेंट भी हमारा फुली एक्सपेंड हो गया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फाइव। प्रॉपर्टी फाइव को यूज करते हुए हमने इनको एक्सपेंड कर लिया। अब सो हम फर्दर इन डिटरमिनेंट्स में देखेंगे कि कहीं मेरे पास दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल तो नहीं आ रहे। हमें मालूम है अगर हमारे पास दो रोज आइडेंटिकल हों या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हों, और आप इन सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं सेम हो, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होती है, जीरो। सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट डिटरमिनेंट देखते हैं, रोज को और कॉलम्स को अब मैच करके देखें, ठीक है। यहाँ पे कोई भी दो या दो रो कॉलम आइडेंटिकल नहीं है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, सो बी सी बी, सो क्यू आर क्यू वाई आर क्यू कॉलम सी वन सी टू। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माई कॉलम वन एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल, सो इट्स वैल्यू बिकम जीरो। अब इधर आते हैं, रोज मैच कर ली नहीं, अब कॉलम्स में मेरे पास कॉलम सी टू एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल, सो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब इस तरफ आते हैं, सो रोज नो कॉलम्स यस, कॉलम सी वन एंड कॉलम सी थ्री आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। यहाँ पे तो हमारे पास पहले ही जीरो आ गया था, सो अब यहाँ रोज एंड कॉलम, सो यहाँ पे मेरा कॉलम टू एंड कॉलम थ्री आर आइडेंटिकल। अब इसमें चेक कर लेते हैं, सो मेरे पास सिर्फ एक ये डिटरमिनेंट बचा और एक ये डिटरमिनेंट बचा, बाकी सब की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो। सो हम इसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, बी सी ए डिटरमिनेंट क्यू आर पी वाई जी एक्स प्लस, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो प्लस इसकी वैल्यू भी जीरो, अब जीरो तो हमारे पास ऊपर से आ गया था जीरो, प्लस जीरो एंड हमारे पास क्या आया, प्लस सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई। सो आफ्टर एक्सपेंशन मेरे पास सिर्फ दो डिटरमिनेंट्स ही बचे हैं। प्लीज नोट इट डाउन, इसे मैं रब कर देता हूं, फिर हम आगे फर्दर कैलकुलेशंस आगे करते हैं। सो मेरे पास क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में, आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट बी सी ए क्यू आर पी वाई जी एक्स प्लस सी ए बी आर पी क्यू जेड एक्स वाई, और आप कहते हैं जी एक्स वाई। सो अब ध्यान से देखता हूं, मैं अपनी क्वेश्चन को देख रहा हूं, राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। सो मैं यहां पे अब ऑपरेशन लगाऊंगा कि रोज को इंटरचेंज कर लूं या किसी कॉलम को इंटरचेंज कर लूं टू गेट डिजायर रिजल्ट। सो वन प्लस वन टू तो आ जाएगा,
बस अब मुझे इस फॉर्म में चाहिए ए पी एक्स रो वन में, बी क्यू वाई रो टू में, सी आर जेड रो थ्री में। अब ये कॉम्बिनेशन चाहिए। सो मैं सबसे पहले देखता हूँ ए मेरी फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट रो में आप कह सकते हैं। सो मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी ए है उसको मैं आगे ले आऊँ, जैसे ये है इसको आगे ले आऊँ, यहाँ पे है इसको मैं आगे ले आऊँ। फिर इसके साथ साथ हम स्टेप देखते हैं हम क्या क्या करेंगे। सो अब इसमें मैं सिर्फ एक रो को चेंज कर रहा हूँ। देखिए अगर आप सारी की सारी रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। इफ़ आप एक रो को दूसरे रो के साथ चेंज करते हैं या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ चेंज करते हैं तो वी गेट नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू सेम रहेगी बस साइन चेंज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी टू। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं रो थ्री को इंटरचेंज कर देता हूँ, सॉरी कॉलम थ्री को इंटरचेंज कर देता हूँ कॉलम वन के साथ। सो वी गेट नेगेटिव साइन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी टू। सो मेरे पास क्या आ जाएगा ए पी एक्स सी आर जी। सो कॉलम थ्री की जगह मेरे पास आ जाएगा कॉलम वन बी क्यू वाई प्लस। अब यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम टू को इंटरचेंज कर रहा हूँ कॉलम वन के साथ। सो यहाँ पे भी अब सिर्फ मैं एक रो को ही चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। सो इसे मैं टेकन आउट बाहर लेता हूँ। अब मेरे पास क्या आ जाएगा ए पी एक्स। सो सेकंड में क्या आ गया मेरे पास सी आर जी एंड बी क्यू वाई। अब मैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा देखता हूँ, दूसरे पार्ट में मुझे क्या चाहिए P फिर X। सो मेरे पास A तो आ गया पी एक्स फर्स्ट रो मिल जाएगी अगर मैं इसको रो को चेंज कर दूंगा रो वन विद कॉलम वन। अब मैं देखता हूँ दूसरा क्या है मेरे पास P Q P R Q। सो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू बनेगी। सो स्टार्ट करते हैं एक बार B को भी इधर ले आते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आएगा B ए पी एक्स तो बन जाएगा पर B नहीं बनेगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑपरेशन क्या लगा देता हूँ, मैं C3 और C3 को अंडरचेंज कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं C3 और C2 को इंटरचेंज कर देता हूँ। सो अब जहाँ से फिर मैं प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी सेकंड। सो अगेन मैं प्रॉपर्टी सेकंड का यूज़ करके सो माइनस वन, जब भी हम चेंज करेंगे उतनी बार हमारा वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ चेंज होती जाएगी। सो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सी टू इंटरचेंज विद सी थ्री। सो ए पी एक्स एस एच आ जाएगा, सो बी क्यू वाई एंड सी आर जी। सो प्लस नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं सिर्फ एक कॉलम में, सो नेगेटिव साइन फिर आ जाएगा। सो ए पी एक्स सो बी क्यू वाई एंड सी आर जी। सो इसको हम आगे फर्दर देखते हैं, माइनस 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 इनटू माइनस, सो पॉजिटिव माइनस इनटू माइनस आल्सो बिकम पॉजिटिव। सो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी इनको प्रोटेक्ट करने के बाद पॉजिटिव आ जाएगा। तो सो आई सिंपली से डैट सो ऑल द एलिमेंट्स सेम है। सो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट इज सेम। सो प्लस वन प्लस वन, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा टू ए बी सी पी क्यू आर एक्स
वाई जी। सो अब हम इसे मैच करते हैं हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड से। सो मेरे पास ए पी एक्स रो वन में है, यहाँ मेरे पास कॉलम वन में है। सो इसी तरह मुझे ऑल द रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी टू यूज करते हैं, प्रॉपर्टी टू लेके माइनस साइन ले लेते हैं। सो अब यहाँ पे अगेन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, और कह सकते हैं प्रॉपर्टी वन। सो जब मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी वन क्या कह रही है कि इफ ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स चेंज्ड सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। सो यही रूल यूज करते हुए मैं कह सकता हूँ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर सी। सो ये हमारा किसके बराबर प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ्ड बाय प्रॉपर्टी वन, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वन हम कह सकते हैं यहाँ पे।